few moments later. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फैमिली व्लॉग किया शर्मा में। आप सबको नमस्ते, राम राम। तब ये सुबह का टाइम और आज दिन है शनिवार, और आज थी बच्चों की छुट्टी, आज वाल्मीकि जयंती, तो उसके लिए छुट्टी थी उनकी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सफाई कर ली जाए, मतलब कुछ तो कर ही लूँगी। सोच रही हूँ आज पंखे वगैरह साफ कर लूँ, और थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा उतना करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ। फिर अकेले में ऐसा होता, बच्ची है तो सोच रही हूँ कुछ तो हेल्प करा ही देंगे मेरी, और नहीं तो फिर यही होता है कि अकेले। और तो यहाँ पर मैं अकेले लग गई थी साफ़ करने के लिए पंखा, तो मैंने बेड को सरकाया, पहले बेड के ऊपर रखी टेबल मेज रखी, और फिर उसके बाद मैं साफ़ करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पा रहा अकेले, फिर मैंने उसको बुला लिया था, क्योंकि ये डर रहता ना कहीं बेटी मेज ना फिसल जाए, गिर जाऊँ। तो फिर मैंने उसको बुलाया, और जिसने और यहाँ पर उसके पापा भी आ गए थे, तो फिर बस मैं यहाँ पर साफ़ करने लगी थी पंखा। तो ऐसे ही क्योंकि गंदे हो जाते हैं पंखे, और बहुत ही गंदे लगते हैं, कितनी भी सफाई कर लो घर की, लेकिन अगर जब तक ये साफ़ ना हो तब तक तो ऐसा लगता है कि सफाई नहीं। और फिर अब जैसे चलते भी कम ही है, तो सोच रही हूँ कि अच्छे से साफ़ कर दूँ, अब जल्दी से गंदे भी नहीं होंगे, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैंने शुक्रवार को ही एंड मतलब बाल धोए थे, तो मैंने यहाँ पर ना सिर भी ढक लिया ताकि गंदा ना हो। हमरा पढ़ना है, पर्दे लगा के मम्मी नो, मम्मी नो, नो मम्मी नो, मम्मी हमरा पढ़ना है स्कूल में। सही लगा कर दिलो से ट्यूशन देख ना सवाल के सुधरा लग गया। साफ करना पड़ेगा तो फ्रेंड, यहाँ पर जो डिस्कस चल रहा था वो चल रहा था कि मतलब जो मैं ये वाला बेड है जो मंदिर वाले रूम में जो बच्चों का बेड है उसको मैं इस साइड सरका दूँ, तो यहाँ पर हमने सरका दिया। और वीडियो बना रहे थे और उसके पापा, फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने कैमरा तो नहीं कर रखा, और फिर बाद में पता चला कैमरा तो नहीं, तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। क्योंकि पता है जैसे मैं लेटती थी तो बच्चे तो लेट जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मंदिर की साइड पैर हो रहे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब तो सर्दी भी आ गई पंखे जो, तो मैंने इसको ऐसे डाल दिया। वैसे तो दिशा भी पूर्व पश्चिम की ही है, लेकिन हमने सिराना बदल के उस साइड कर दिया, और अब मंदिर एक साइड में रह गया। तो इसमें तो बस यहाँ पर आप देखोगे जहाँ से हमने मतलब बेड उठाया वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत वगैरह था, वैसे तो कुछ अड़ंगा नहीं था लेकिन रेत बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितना भी कर लो लेकिन पूरा हाथ नहीं जाता। तो उसके बाद वो वाला करने के बाद हम आ गए दूसरे बेडरूम में, वहाँ का पंखा वंखा साफ करके फिर वगैरह हम डिसाइड कर लिए। हमारे फोन पर काला तना हो गया, अब देखो अब देखते हैं क्या करने वाली हैं। इस बेड की डायरेक्शन कहाँ करेंगी अब देखते हैं भाई। ये अब ये एक लंबू जी खड़े हो रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। ये लंगूर ने पकड़ लिया पंखा, उसका हाथ गया है पहुंच, इसलिए ननु लाके इसको कपड़ा दे दे, साफ करने वाला है। और जब से होगा नहीं ये नहीं। ये ओजस पंखे के, ओ माय गॉड इतने सारे जाले, ये अपने ऊपर भी डाल लेगा। ये गंदा है, ये गंदा मेरे कोने, ये गंदा मेरे की तरह है। मैं तो रिश्ते लंबी हूँ, मैं रिश्ते लंबी हूँ, तेरा चिड़ा हो जाए पता नहीं लो नहीं जाने आना मुझे। हाँ ये पंखे, ये पंखड़ियों तोड़ दिया या गिर जाएगा। तू नीचे जा बेटा, दो इंच छोटा है राजा, नीचे तेरे पैर, पैर तेरी मम्मी के साइज के हुए हैं, अभी तू नहीं हुआ है। एक इंच छोटा हूँ बस मैं। हाँ तो एक इंच पूजा, हाँ थप्पड़ तो ना मारे थे दीवार ली कुछ दे, तो कस्टमर पाए या एक बीच में।
तो फ्रेंड ये वाला कमरा भी कर दिया सेट, फैन वगैरह पंखा साफ कर दिया, तस्वीर वगैरह सब साफ हो गई इसकी, पर यहाँ पर फैला पड़ा सब कुछ। और ये वाला रूम भी सेट हो गया। आप बताना ये आपको बेड कैसा लगा। अब मुझे यहाँ पे सफाई भी होनी जरूरी थी और यहाँ पे भी, यहाँ पर किया ने निकाल दिए झाड़ू, कर दिए मेरी हेल्प, और अभी कुछ काम और बाकी। और ये कपड़े बच गए डालने के लिए, इनको देखती हूँ बाद में डाल दूँगी, आज भी निकलेंगे वैसे भी कपड़े। तो फ्रेंड अंदर वाले रूम करने के बाद मैं आ गई लिविंग रूम में। तो उसमें हमने जो बेड था वो अपनी उसकी जगह पे लगा दिया, और मैं टीवी यूनिट पूरी साफ कर दूंगी, क्योंकि इस साइड जो अंदर वाले रूम तो फिर भी इतने गंदे नहीं होते, लेकिन जो लिविंग रूम है ये बाहर वाली साइड है, तो इसमें धूल ज़्यादा मतलब जमती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान नीचे उतार दिया, और मैं सारा पूछ के सारा अच्छे से साफ करके वापस रख दूंगी अपनी जगह पे।
और यही होता है मेरा तो, जैसे और लेडीज यही सोचती कि जैसे मतलब अगर एक बार सफाई करने के बाद फिर सोचती ये भी साफ कर दूँ वो भी साफ कर दूँ। तो One hour later. हेलो फ्रेंड, तो अभी टाइम हो चुका है 12:15 बज चुके और मैंने पूरा घर साफ कर लिया, मतलब झाड़ू पोछा लगा दिया, फिर उसके बीच में सिलेंडर वाले आ गए, सिलेंडर लिया, पौधे वाले आ गए थे तो मैंने कुछ पौधे लिए थोड़े बहुत, और अभी मैं जाऊँगी नहाने, फिर बनाऊँगी सब्जी और रोटी, और आज मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, दिखाती हूँ आपको। तो आप देखोगे यहाँ नीचे मैंने सब साफ कर दिया है अच्छे से, पूरा यहाँ से क्लीन कर दिया, ये बेड रूम पूरा क्लीन कर दिया, वो मैट बिछाना पड़ा है, खिया लेटा और यहाँ पर रख दिया ना के खिया जिस ना चुके, और ये यहाँ पर सब साफ कर दिया। किचन रह रही है वो मैं कल करूँगी, किचन या थोड़ा बहुत रह रहा वो कल, और ये बेड यहाँ से अच्छे से साफ कर दिया टाइल वगैरह भी, और ये यहाँ पर खिया लगा रही है मतलब काना कोने ला रही है, उसे जोत लगा जाए क्योंकि ये ना चुके पहले, फिर मैं नहाऊंगी फिर करूँगा। तो आप देखोगे तो पूरा घर साफ दिखेगा, और लिविंग रूम मैंने बस कर्टन कर्टन बचे हैं और सारा मैंने कर दिया। तो फ्रेंड मैंने नहा के आ चुकी हूँ, और आज तो बहुत लेट पे लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों अब इसकी चुन्नी नहीं मिलेगी। तो बस नहा धो के मैं आ गई रसोई में, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद लग गई है भूख, तो मैंने जो आज मैं बनाऊंगी हरी सब्जी, तो पालक वालक मतलब ढाकड़ जो मैंने कट करके उबाल के रख दी थी पहले ही, बस अब छोक लगाना है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आलन डाला, मतलब बाजरे काटा तो था नहीं मैंने, बेसन डाल के उसमें आलन लगा के फिर से चढ़ा दी, यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली और एक साइड में करी गर्म पानी डालने, क्योंकि सब्जी ठंडी हो गई फिर ठंडा पानी डालना मतलब ऐसे सब्जी में डालना नहीं चाहिए, तो बस गर्म पानी करके थोड़ा सा सब्जी में डालूँगी, थोड़ी सी लस्सी डालूँगी, और प्याज भी कट कर ली है मैंने, बस यहाँ पर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और जो मतलब साग होता है हरी सब्जी जो, उसमें अगर सरसों के तेल का छोंक, वैसे तो हर सब्जी में ही अगर सरसों के तेल का छोंक लगा तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसमें तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया लहसुन अदरक और हरी मिर्च, इनको मैं अलग से कूट लूँगी और फिर उसमें डाल दूँगी सब्जी में। यहाँ पर मेरा तेल हो गया था, मैंने डाल दी प्याज, और मैं इसमें वैसे छोटे वाले प्याज भी डाल देती हूँ, लंबे वाले प्याज भी, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो बस प्याज होने के बाद मैंने डाल थोड़ा टमाटर, और इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते, मैंने सिर्फ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल ली है और कुछ नहीं नमक, और डाल दिए सब्जी, और सब्जी मेरी एक साइड पकी गई थी, फिर थोड़ी देर में 5-10 मिनट के लिए इसको ढककर पका लूँगी, तो मेरी हरी सब्जी भी बनकर हो जाएगी तैयार। और आज खाना खाते खाते बज गया था, मतलब 1:15 तक बच्चों को खिला दिया था, उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था, लेकिन ये संतुष्टि थी कि चलो कुछ तो घर का सफाई हुई, वैसे तो मतलब ये सफाई बीच बीच में करती रहती, लेकिन मुझे ज़्यादातर पंखों का था तो वो हो गए, तो यहाँ पर मैंने गूंद लिया आटा और मैं बनाऊँगी रोटी। तो फ्रेंड हमारा खाना बनकर हो गया था, तो सबसे पहले देख के आएगा जिसने पापा को, तो ये है हमारा खाना आज का, मैं बना रही रोटी, और टाइमिंग शायद हो चुका है, कोई बात नहीं लेट हो चुकी है, फिर भी मुझे दिया जल्दी सी चम्मच और ले जा, अरे तुम भी ले जाओ जल्दी सी। तो फ्रेंड हमने खाना पीना खा लिया, तो सारा काम हो चुका है, और आज के एक बड़े तो धुले नहीं, मैंने सिर्फ 1 किलो लाया था, वो इसी को सुखा देती हूँ, और अभी टाइम 1:30 बजने वाले 1:30 के बीच का टाइम है, तो अभी सोच रही कपड़े और बाकी ये सुखा के फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, और फिर बस फिर तो शाम का ही काम आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कपड़ों को डाल वरना फिर धूप चली जाएगी, फिर प्रॉब्लम होएगी, एक बार इनको डाल देती हूँ, वो मशीन में कल लगा लूँगी, वैसे तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, वो हमने निकाले थे मतलब 4 जोड़ी कपड़े, मैंने चादर उतारी थी तो वो है, और ये ट्रैवल यहाँ पर गिल्ला था थोड़ा सा, तो मैं से कोई पड़ ना जाए, अभी आज मैंने इसके यहाँ पे भी साफ कर दिया था अच्छे से, और ये देखो ये बड़ी। हेलो फ्रेंड, तो आज काम करते करते मुझे तो हो गया लेट अभी बस, हाँ वैसे ये कि सफाई होगी तो मन थोड़ा सा खुश हो चुका है कि चलो कुछ तो काम होगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आज की भी और कल की भी, कल संडे है, आज वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, तो मैं इसलिए मैंने काम
सफाई का सोचा कि चलो कुछ आज कर रही थी कुछ कल कर रहती हूँ। और तो फ्रेंड चलिए इस व्लॉग का ये पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।